A South Asian Canadian channel. गुरदासपुर के सरहदी इलाके के पिंड कादियां गुजरा का रहने वाला प्रिंसपाल सिंह जो बास्केटबॉल का सब तो वड्डी अकादमी NBA जी लई पहले एक साल पहला सिलेक्ट होया सी अते एक साल के अंदर ही इस नौजवान ने देश लई एक वड्डी पहचान दिती है। प्रिंसपाल वालों NBA दी समर लीग च जित हासिल करके एक वक्री पहचान साबित की गई है जो कि यह पहला भारतीय अते पंजाबी खिडारी है इस मुकाम ते पहुंच के जित हासिल कर अगे वल नूं तुर रहा है। प्रिंसपाल सिंह ने दस्या है कि 14 साल की उम्र च उस वालों बास्केटबॉल दी गेम शुरू की गई सी जदके पिछले साल NBA जी लई अग्रीमेंट होया सी अते इस साल कोविड दे चलदे उस लई बहुत मुश्किलां सन अते उन्हां मुश्किलां नाल लड़ के इस मुकाम ते फिर भी ओह पहुंचिया है। उस वालों समर लीग च हिस्सा लिया गया जिस विच 29 टीमां सन जिस च उन्हां दी टीम दे 5 मैच सन अते उन्हां दी टीम ने 5 मैच जित पूर्ण जित हासिल कीती है अते वक्री पहचान बनाई है। उत्थे ही प्रिंसपाल दा कहना है कि हुण तक NBA सी भारत दे 4 खिडारी पहुंच सके ने अते ओह जिस मुकाम ते ने ओह इस मुकाम ते ओह कल्ले ने अते उन्हां ने समेत सारे पंजाबी सन अते पंजाब सरकार नूं चाहीदा है कि इस गेम लई खिडारियां नूं वध तों वध सहूलतां पिंड पद्धर ते देण तां जो खेड वी पंजाब अते भारत दा नां उपर चुक सके। ओह बहुत वधिया रहा मतलब अपना मतलब पहला मैं लॉकडाउन लगा ही अपने उदों उस टाइम दा लॉकडाउन ही अपने इंडिया च पूरे च सो उदों मैं थोड़ा वर्कआउट नहीं कर सकया सो उस तों बाद मैं US चल गया फिर मैं जाके दोबारा थोड़ी ऑफ हुई दोबारा प्रैक्टिस से वापस आया सो प्रैक्टिस की टीम ने जाके US च कैलिफोर्निया सो उस तों बाद फिर मैं टूर्नामेंट खेडिया NBA जी लीग वालों सो थोड़ा हार्ड ही क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं की बहुत काफ़ी टाइम तो इतने इंडिया सो उस तों बाद मैं गया फिर मैं वही ट्रेनिंग की उस तों बाद मैं टूर्नामेंट खेडे घरों आया फिर मैं NBA समर लीग लिए गया दोबारा उत्थे बहुत वधिया लग्या क्योंकि मैं इंटरनेशनल लैवल NBA च कदे मैं चैंपियनशिप अपने इंडिया का कोई चैंपियनशिप नहीं जिता कोई प्लेयर भी सो बहुत वधिया लगा है मैनू कि मैं चैंपियन बनया समर लीग का और काफ़ी ज़्यादा वधिया लगा क्योंकि मैं इंडिया का पहला प्लेयर है जिहड़ा मैं चैंपियन बनाया फिर बाद अगे का सफर अगे का की सोचा अगे का कंटिन्यू मैं NBA दे विच खेडूंगा जाके फिर मैं थोड़े दिनों तक US जा रहा वापस और जाके ट्रेनिंग करूँगा फिर टीम ने एग्रीमेंट करूँगा कि टीम ना सो फिर मैं अपने इंडिया टीम नूं भी खेडूंगा इंडिया टीम वालों भी खेडूंगा इस जगह पर। इस दे नाल ही प्रिंसपाल दी भैण अते परिवार दा कहना सी कि जदों प्रिंस ने इह मुकाम हासिल कीता उस ते उहनां दे परिवार नूं बहुत माण है लेकिन इस गल दा मलाल भी है कि अज प्रिंस जो भी है उस पिछे सूबे दी सरकार अते देश दी सरकार ने कदे वखरा माण नहीं दिता जदके प्रिंस पहला पंजाब अते भारत वालों भी चैंपियनशिप खेड जित हासिल कर चुका है लेकिन कदे मौके दी सरकारां ने साथ नहीं दिता बल्कि प्रिंस ने जो हासिल किया वो अपने परिवार दे सिर ते ही हासिल किया है। पहला जो छोटा होंदा ही उदों लोग कहंदे हुंदे एड्डा लंबा हो गया वा इन्हें कुछ नहीं करना पर हुण जिहड़ा मतलब कि बहुत लोग माण करदे आ कि हाँ ये ठीक है नहीं नहीं इदां ते कदी नहीं जो फील होया हाँ जी क्योंकि अं तीन भैन भरा ही गए मैं सब तो वीडी दो ब्रदर ही मेरे एक मेरे तो छोटा ही इस टाइम इंग्लैंड बैठा हुआ तो यह सारे तो छोटा सीगा साढ़े तो यह मेरे तो 8 साल छोटा सीगा हाँ जी तो अं तिने जो पढ़ते मेरे पापा सिर्फ एक उन्होंने सैलरी सी जिद तो सू तिना उन्होंने पढ़ाया सारा कुछ किया इन्हें इतने पहुँचा बड़ा मतलब कि किया कई बार जो इन नवा भेजा सी बूट ही बहुत महंगे आते तो कई बार इदा हों भी इन्हें बूट मंगने तो डैडी ने कहना भी हूँ जिस तरह दोनों बच्चों का भी खर्चा करके ये भी कढ़ना फिर उन्हें कहना इस वारी तो चलो हूँ है नहीं तू अगली वारी मैनेज कर ली इदा फिर इन्हें कहना नहीं चाहिए क्योंकि जरूरी ही ये वास्ते फिर चलो जिस तरह मर्जी करके एडजस्ट अपना इनू हर एक चीज़ आप लैके दें रहे हैं। A South Asian Canadian channel.